अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो काफ़ी दिन के बाद मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। सो आज हम बनाएंगे होममेड बाउंटी। ये बहुत इजी है, ये सिर्फ और सिर्फ हम इसके लिए तीन इंग्रेडिएंट चाहेंगे। सबसे पहले कंडेंस मिल्क यानी कुमेल, उसके बाद हमें चाहिए खोपरा और चॉकलेट। बस ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ नज़र आ रही है। सबसे पहले हम खोपरे को, एक कप खोपरा लेंगे और 1/4 कप हम लेंगे कंडेंस मिल्क। इन दोनों को डाल के बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका एक डो टाइप बना लेंगे। और इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस तरह से हमने दोनों चीज़ों को मिलाया। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें स्पैचुला की मदद से, या कुछ भी जिस चीज़ से आप चाहें। अगर आप चाहें तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। मैंने पहले इसको स्पैचुला से किया क्योंकि मुझे डायरेक्ट गीला गीला पसंद नहीं है, तो मैं पहले इसको स्पैचुला से करूँगी, इसके बाद मैं इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लूँगी। अब देखिए इस तरह से ये डो टाइप बन गया। अब हम इसमें से छोटा सा पीस ले लेंगे, छोटा सा इसका पार्ट ले लेंगे, इसमें से थोड़ा सा ले लेंगे जैसा आप कहना चाहें, और इसको हम बाउंटी की तरह बार की शेप में लेके आएंगे, बाउंटी बार की शेप में लेके आएंगे। अब देखिए इस तरह से मैं प्रेस कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा दबा रही हूँ, इसको हल्के हल्के प्रेस करें और देन आपका एक प्यारा सा बार बन के रेडी हो जाएगा। देखिए मेरे बार की तकरीबन शेप आ गई है। अब मैं थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करूँगी तो ये देखिए मेरा बार की शेप आ गई है और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखें टोटल इसमें से मेरे 6 पीस बने और एक बहुत छोटा सा बना तो मैंने दिखाया नहीं। अब इसके बाद सिंपल जो हमने चॉकलेट मैंने आपको दिखाई थी, ये चॉकलेट आप डार्क चॉकलेट पसंद है तो डार्क चॉकलेट ले लें, वरना इसमें जो बेसिक होती है वो मिल्क चॉकलेट होती है। तो मिल्क चॉकलेट आप इसमें मेल्ट करें, मिल्क चॉकलेट में एक एक बार उठा के डालें। बार शुड बी चिल्ड, सही है, यानी हमें बार जो है ठंडे करने हैं फिर उसमें डिप करने हैं। अब डिप करके इसको प्लेट में रख लें, इसको हम प्लेट में रखेंगे। अब इसके ऊपर ऊपर से इस तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ उस तरह से करें, क्योंकि प्रॉपर जो बाउंटी होती है उसमें इस तरह से शेप होता है। वो डाल के अब इसको आप फ्रीजर में चिल्ड करें और देखें मेरी बाउंटी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको कट करके सर्व करें, इसके ऊपर कंडेंस मिल्क डालें थोड़ा सा, और अगर आप कोकोनट स्प्रिंकल करना चाहते हैं तो करें। और देखिए मेरी बाउंटी बिल्कुल रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी और इतनी जूसी बनी। इसको आप इस तरह सर्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।